गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां बाप और बहन की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों को 5 लाख की आर्थिक मदद देकर सहारा दिया। कोराबार ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने जिला सभागार में एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए 2.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का चेक मृतक के दोनों बेटों सुग्रीव निषाद और अच्छेलाल निषाद को प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और पीड़ित परिवार को प्रत्येक प्रकार की संभव मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्या आप लोग जानते हैं हमारे जनपद में 25 अप्रैल को एक दुखद घटना हो गई थी जिसमें गामा निषाद, उनकी पत्नी संजू और उनकी बेटी प्रीति की एक सिरफिरे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय विधायक जी श्री विपिन सिंह जी के प्रयास से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उनके दोनों पुत्रों के लिए 2.5 लाख रुपए की अहेतुक सहायता प्राप्त हुई थी, जिसका चेक कल ही तैयार कर दिया गया था। चूंकि वे लोग गांव के बजाय कहीं और अभी शिफ्ट हो गए थे, उनको आज आमंत्रित किया गया था और आमंत्रित करके उनके एक पुत्र अच्छेलाल और दूसरे सुग्रीव दोनों लोगों को 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है और उनको ये आश्वासन दिया गया है, पूरा भरोसा दिया गया है कि सरकार आपके साथ है। माननीय विधायक जी ने भी और मैंने भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि कोई भी अगर उनको समस्या होती है किसी भी प्रकार की तो वे हम लोगों को रिंग करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले गामा निषाद की रायगंज जो हमारे खोरापार थाना का गाँव है वहाँ उनकी हत्या उनके पत्नी की उनकी बेटी की हो गई थी। तो घटना दुखद थी और बहुत गरीब परिवार था। मैंने पूछ, महाराज जी अभी गोरखपुर 3 दिन पहले आए थे तो मैंने बात किया, महाराज जी बहुत गरीब परिवार है और काम क्रिया के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो पूछ महाराज जी अगर आप कुछ सहायता कर देते तो बढ़िया रहता। तो महाराज जी ने इस पर बड़ा सख्त लहजे में कहा कि नहीं, इसको हम करवा देते हैं। और पूछ महाराज जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। परसों मुख्यमंत्री आवास से मुझको फोन आ गया, उसको 5 लाख रुपये स्वीकृत हो गए और जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी संपर्क करके और आप उसको चेक उपलब्ध करा दें।